हाय बच्चों, टुडेज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इन ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइजेस। ठीक है, तो एक ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, उस पर जो प्राइज़ दिया स्कूल वालों ने। ठीक है, आपको भी मिला है कभी प्राइज़? किस फील्ड पे बताओगे मुझे? शेयर करो, अपनी कमेंट में डालो कि आपको किस फील्ड में, मतलब आपको कौन सा फील्ड सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गेम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है? और गेम्स लगता है तो कौन सा अच्छा लगता है, उसमें आपको कोई प्राइज़ मिला है क्या? शेयर करिए हमसे एक दूसरे का। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, रुपीज़ ऑफ 700 रुपीज़ फिक्स है कि 700 रुपीज़ में सारे प्राइसेस आ गए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्राइस से 20 लेस देन करके सेकंड प्राइस, फिर थर्ड प्राइस को और 20 लेस देन कर दिया थर्ड प्राइस, फिर 20 लेस देन किया फोर्थ प्राइस। इस तरीके से उन्होंने कितने 7 प्राइसेस दिए। ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहला जो ए है उसको क्या मान लो 7th प्राइस, और फिर ए प्लस 20 देन ए प्लस 40, या उल्टा इज लेट द फर्स्ट प्राइस इज ए, तो फिर सेकंड प्राइस क्या होगा, लेट द फर्स्ट प्राइस इज ए सेकंड प्राइस ए माइनस 20, थर्ड प्राइस क्या होगा ए माइनस 40, यही होगा ना। तो इस तरीके से ओवरऑल जो सीरीज 7 टर्म्स की सीरीज फॉर्म हो गई, और 7 टर्म्स की जो सीरीज फॉर्म होगी उसका हम उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सीरीज फाइंड कर लेंगे। सीरीज फाइंड करनी है एक्चुअली इसमें। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, देखो 700 ओवरऑल प्राइस है, यानी टोटल प्राइस है ना, टोटल प्राइस यानी एस एन, सम ऑफ टर्म्स एस एन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइस टू बी रुपीज ए, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइस है वो रुपीज ए का है। देन सेकंड प्राइस कितने का होगा, चाकू क्या हुआ, ओके तो सेकंड प्राइस होगी वो कितनी होगी, सेकंड प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस रुपीज लिखो ए माइनस 20 है ना, 20 लेस देन कर रहे। ठीक है, थर्ड प्राइस का प्राइस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जो ए माइनस 20 है उसमें से भी 20 माइनस करेंगे, ए माइनस 20 माइनस 20, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज ए माइनस 40। ठीक है, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे सारे होंगे ना, तो जो सीरीज फॉर्म होगी, सो देन सीरीज विल बी कितनी टर्म्स, इसमें 7 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकंड टर्म ए माइनस 20, थर्ड टर्म ए माइनस 40, और फोर्थ टर्म ए माइनस 60, देन क्या फोर्थ टर्म हो गया ना, फिफ्थ टर्म ए माइनस 80, देन सिक्स्थ टर्म ए माइनस 100, और लास्ट 7 टर्म है ना, तो ए माइनस 120। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू अगर फाइंड हो गई हमको, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, ओवरऑल टर्म्स फाइंड कर लेंगे, ओवरऑल कितना ये सारी टर्म्स हैं वो सब टर्म्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यू नो दैट एस एन, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, दैट वी नो यहाँ पे एन इक्वल कितना होगा 7, कितनी टर्म्स है 7, सो आप लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू 7, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, हियर एन इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू ए ही है ना, एंड एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है ए माइनस 120। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, वैल्यूज पुट करोगे तो एस 7 इज इक्वल टू
वेट वेट हाँ 7/2 और एक और गन टर्म्स गिवन है आपको दैट S7 इज इक्वल टू 700 S7 की वैल्यू भी गिवन है ना ठीक है ओके 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 फिर क्या करना है वैल्यूज पुट करो a प्लस a माइनस 120 ठीक है तो फिर क्या आएगा S7 की वैल्यू भी कर दो 700 इज इक्वल टू 7/2 ये होगा 2a माइनस 120 ठीक है यहाँ देखो ये आया 700 माइनस 120 2a माइनस 120 700 इक्वल 7/2 2a माइनस 120 अब हम 7/2 को ट्रांसफर कर रहे हैं दैट विल बी 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a माइनस 120 7 से क्रॉस हो जाएगा सो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 2 राइट और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें ये 2 कॉमन ले लो तो ये होगा a माइनस 60 2 को ट्रांसफर कर दो तो ये होगा 100 इंटू 2/2 इज इक्वल टू a माइनस 60 ये क्रॉस हो जाएगा सो दैट विल बी 100 और 60 भी ट्रांसफर कर देंगे प्लस 60 इज इक्वल टू a सो ये आएगा 160 इज इक्वल टू a ठीक है तो जो सबसे पहली फर्स्ट प्राइस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 160 तो आप सीरीज फाइंड करिए सीरीज क्या होगी यहाँ पे a इज इक्वल टू 160 तो फिर 140 देन 120 देन 100 देन 80 सेवन टर्म्स फाइंड करने हमें है ना देन 60 देन 40 ठीक है तो ये होगी हमारी जो सीरीज जो ए पी फाइंड होगी ना दैट इज जो फर्स्ट प्राइस होगी उसका प्राइस होगा 160 और जो लास्ट सेवेंथ प्राइस होगी उसका प्राइस होगा ₹40 क्लियर तो बस आप यहाँ पे है ना जो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया इसकी जगह पे आप सेकेंड फॉर्मूला जो है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d उसको भी यूज कर सकते थे उससे भी यही आपका आंसर यही आएगा और मैंने कहा सीरीज उल्टा भी यूज कर सकते थे यहाँ पे हमने माइनस किया है आप प्लस भी करते ना a a प्लस 20 a प्लस 40 a प्लस 60 a प्लस 80 a प्लस 100 एंड a प्लस 120 तब भी आपका आंसर आएगा है ना क्योंकि बस कंडीशन सही होना चाहिए किसी भी तरीके से सॉल्व करें आप तो डेफिनेटली आंसर आएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है आपने कंडीशन सही अप्लाई करी है तो क्वेश्चन का आंसर तो आना ही है ओके समझ आया ना ठीक है अब आप मुझे बताइए आपने किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जितने तरीके मैंने बताया उससे करके देखिए और देखिए कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है और जब आंसर सेम आए तो मुझे बताइए कि आपने कौन कौन सी मेथड फॉलो की है बताइए ज़रूर ओके और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को ओके चलो अब नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गुड बाय